क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या आप मुझे जानते हो? अरे मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। अरे मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें याद है ये मेरा घर, प्यारा सा घर जो कि नोबिता के घर से इंस्पायर्ड है। देखो ना, नोबिता के घर के जैसे ही दिखता है एकदम। अगर तुम्हें याद हो तो ये वर्ल्ड मेरी सबसे पहली सर्वाइवल सीरीज, मतलब यूट्यूब की सबसे पहली सर्वाइवल सीरीज मैंने इसी वर्ल्ड में शुरू करी थी। तो ये मेरी यूट्यूब की सबसे पहली वाली सर्वाइवल सीरीज है और मैं आज से इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। देखो बोलते बोलते तो शाम हो चुकी है, और क्यों ना इस सुनहरी शाम में मेरे दो सुनहरे शब्द हो जाए। रुको मैं तुमको सुनाता हूँ। सूरज हुआ मध्यम, सूरज हुआ मध्यम, सुनो हाँ। अच्छा, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, ठीक है, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। क्या मतलब ये मैंने बॉलीवुड से चुरा है? एक अंदर की बात बताता हूँ, आजकल ना बॉलीवुड वाले मेरे बहुत से डायलॉग्स सॉन्ग्स चुरा रहे हैं। इस पे मैं जल्दी कुछ तो करने वाला हूँ, और उसके पहले मैं सो लेता हूँ, नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जरा इनको तो देखो मेरे भाई, मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पे मेरे इजाजत के अलावा सोने की एक सजा है जो इनको मालूम नहीं है, जो कि है सजाए मौत। आज मेरा पहला दिन था इसलिए बच गया, अपना माइंड मैन से डेंजरस कोई नहीं है। जरा इस गाँव को तो देखो, जरा इस घर, ए तेरा क्या है? आइंदा से मेरे इजाजत के बगैर मेरे वीडियो में इतना सा भी दिखा ना, इतना सा भी गायब कर दूंगा, गायब आला मोटा शाना। देखो मेरे घर को 2 साल के बाद देख रहा हूँ ना तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे सच में आई एम इमोशनल। ये तो तुम्हें याद होगा? नहीं, याद नहीं है। ठीक है मैं बता देता हूँ, दिस इज अल्टीमेट पाव भाजी मशीन। अनलिमिटेड नहीं है ना तो इसलिए अल्टीमेट बोलता हूँ। इसमें पाव मुझे अलग से डालने पड़ते हैं, उसका पैसा अलग, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। ये देखो, ये दुश्मन का घर है और ये हमारा घर है। दुश्मनी हो तो हमारे जैसी। 2 साल हो गए, 2 साल इतने करीब रहते हैं, ना कभी इन्होंने हमला करा ना कभी हमने। अरे करेंगे भी कैसे, डरते हैं मुझसे, डरते हैं। करीब तो इतने हैं कि तैरते 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 वहाँ जा सकते हैं और तैरते 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 यहाँ आ सकते हैं। वो तो लड़ने की कभी नौबत आई नहीं है, कभी मन करे लड़ने का तो आ जाना मैदान में, वो भी याद रखेंगे माइंड मैन क्या है। दुनिया हिला दूंगा। जरा मेरे आयरन फार्म को तो देखो, जिस हालत में छोड़ के गया था उसी हालत में अभी तक है, तो अभी भी बंद था और अभी भी बंद है। देखते हैं आज इसको चालू कर पाएंगे। तो चलो अब तुमको ना मैं मेरा एक्सपी फार्म दिखा दूँ। वैसे अभी बहुत सी चीजें बनाना बाकी है, धीरे धीरे सब बना देंगे। यहाँ इसमें एक स्पॉनर है और नीचे एक चेम्बर है जहाँ सब इकट्ठा होते। रुको मैं तुमको तोड़ के दिखा दूँ, हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा, अभी पिकैक्स तो नहीं है मेरे पास। अंदर एक जॉम्बी स्पॉनर है, चैनल पे वीडियो है, मैंने कैसे बनाया था आप देख सकते हो। अभी नीचे चलते हैं, मैं अभी 2 साल के बाद जा रहा हूँ तो आइडिया नहीं है अंदर क्या हो सकता है। आई एम जस्ट एक्साइटेड। छूटो, अरे भाई 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 भाई, अंदर जाती ऐसा स्वागत होगा? मेरे को तो मालूम नहीं था। सबसे डेंजर तो ये वाले मॉब लगते हैं मुझे, वो तो फॉल डैमेज की वजह से मर गए जल्दी, वरना इन लोगों ने आज तो मेरी हालत टाइट कर दी थी। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पे सबको मैं मार सकता हूँ, ऑलमोस्ट 1 या 2 हिट में मर जाते हैं। और इस चेस में सब इकट्ठा होता है, अभी इन चीजों की जरूरत तो है नहीं, ये गाजर वाजर रख देता हूँ। हाँ तो ऐसा कुछ सीन सॉर्ट है, जो भी बेसिक चीजें होती है सर्वाइवल के लिए वो सब तैयार है, बस आयरन फार्म दिक्कत दे रहा है, वो भी मेरी एक गलती की वजह से। जो मेरा आयरन फार्म है ना वो मैंने विलेज के बहुत ही करीब बनाया है, उसकी वजह से हो ये रहा है कि आयरन गोलेम विलेज के अंदर स्पॉन हो रहे हैं बजाय आयरन फार्म के। तो इस पे मैं काम करता हूँ, ये जो विलेजर मेरे घर के आसपास घूमते हैं इनको मैं कैसे भी करके आयरन फार्म से दूर ले जाऊं तो बात बन सकती है शायद। ये विलेजर मेरे घर में रहते तो नहीं है लेकिन काम करने के लिए मेरे घर में आते हैं, वो भी मेरी गलती की वजह से, जो कि मैंने घर में चेस्ट की बजाय एक बैरल लगा दिए थे, उनकी वजह से विलेजर फिशरमैन बन रहे। तो मुझे करना ये होगा कि ये सब ब्लॉक निकाल के चेस्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें सामान भी तो बहुत है, सब शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी जितना हो सकता है उतना यही रखता हूँ, बाकी सब ऊपर ले जाना होगा, यहाँ पे भी बहुत सामान है, सभी ऊपर ले जाना होगा। देखते इस चेस्ट में जितना बैठेगा। मैं काम करता हूँ ना, आर्मर पहन लेता हूँ। अब जच रहा हूँ ना मैं, अभी बहुत सामान बाकी है, ये चेस्ट पूरा भर चुका है, अब रिमेनिंग सब सामान स्टोरेज रूम में जाएगा। और ये रहा हमारा स्टोरेज रूम जो कि बहुत ही बड़ा है, अभी एक एक करके सब रख देता हूँ, बाद में सब अरेंज करेंगे। अभी बस ये 3 बैरल बाकी है, अबे इसमें तो डायमंड वायमंड निकले। याद आया, ये डायमंड मैंने माइनिंग से जमा करे थे, 25 डायमंड है मेरे पास, 25 डायमंड है, 25। यू नो अंबानी लाइट इज हियर, लिटिल अंबानी। मेलन फिर से उग गए हैं, बहुत ही मेहनत से ये आयरन फार्म बनाया था, बट मेरा बैड लक ही खराब है, पर इसे चालू तो करके रहूंगा मैं, वरना नया बनाना पड़ेगा। इन सब विलेजर को मुझे आयरन फार्म से दूर ले जाना होगा। शायद मेरे पास बोट थी, मुझे याद है कहीं तो रखी होगी मैंने। हाँ ये रही बोट, तो मिल गई भाई, इसमें बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मैं निकला वो गड्डी लेके। चलो चलो चलो, तुम्हारा स्टेशन तो आ गया है, उतरना तो पड़ेगा। अरे तुम क्यों बैठ गए भाई, जाओ अंदर जाओ। ये सब ब्लॉक साफ करता हूँ, इनकी वजह से बहुत विलेजर यहाँ काम करने आ रहे हैं, जो की
आयरन फार्म के बहुत ही करीब है, अंदर कुछ ऐसा सीन है, फ्लेचर तो बहुत है मेरे पास। ठीक है अभी के लिए फ्लेचिंग टेबल यही रख देता हूँ। भाई कितनी भीड़ से हो गई है। ओके अभी एक विलेजर लाना बाकी है, कोई बात नहीं शायद इन फर्नेस पर भी कोई काम करता है, फर्नेस भी निकालते हैं। अभी देखो इन विलेजर को मैं यहीं पे लॉक कर देता हूँ ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकले। बहुत विलेजर से मेरे पास फूल है गुलाब का लेवेंडर का मत समझना, फूल है गुलाब का लेवेंडर का मत समझना, घर है माइनमैन का विलेजर का मत समझना। देखो अभी सीन ऐसा है कि मैंने सभी विलेजर को अंदर लॉक कर दिया है, तो अभी बाहर आयरन फार्म के पास तो कोई विलेजर आने वाला है नहीं, अब भी तो आयरन फार्म वर्क करना ही होगा। मेरी दाढ़ी बढ़ गई लेकिन आयरन फार्म कुछ चला नहीं, शायद ही नीचे वाले आयरन गोलेम मारना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आयरन गोलेम स्पॉन हो गए तो आयरन फार्म में हो सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिकॉज यू नो आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि यू नो आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ओ जी यार हाजिर वजीर, प्राइवेट सर्वेंट बाबू माली, गाँव की प्रजा। ओ जी यार अनंत ब्रह्मांड के इकलौते चमत्कारी मोती, पहनते हैं बाबू राव की धोती, उनकी 50 एकड़ है खेती, मूछे ना होते हुए भी मूछों पे ताव देते हुए शक्तिकापुर राज्य के 8वें राजा थिराज माइनमैन सिंह चड्डा पधार रहे है। सरकार ऐसे काहे देख रहे हो मोदी सरकार, प्रजा आपके दो शब्द देखने के लिए बेताब हो रही है सरकार। कहां से दिखाऊं दो शब्द, ये कैसी अपमानजनक घोषणा दी है तुमने चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नहीं सरकार, प्रधान चित्रगुप्त माइनमैन के राज्य में कैसे, वो तो यमराज में। हाँ ठीक है समझ गए, कैसी अपमानजनक घोषणा थी, तुमने आज मेरे इज्जत का पंचनामा पूरे प्रजा में बांट दिया। क्या घोषणा थी वो, ब्रह्मांड की इकलौती मोदी मोती कुत्ता हूं मैं, पहनते बाबूराव की धोती धोती पहनता हूं मैं। नहीं 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 प्रधान, आज तुमने राजाधिराज अधिपति शक्ति कपूर महाराज की इज्जत उछालने की वजह से ये दरबार तुम्हें 40 दिन तब्बल 40 दिन के लिए बेदखल करती है। यू आर फायर्ड फायर्ड। अब तो वर्क हो जा मेरे भाई। मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। आए हाय। अरे तुमको मरना है तो मेरा आयरन फॉर्म वैसे ही पड़ा है, जाके उसमें मरो ना। मुझे नहीं लगता ये वर्क होगा, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर है, हाथ में गुलाब का फूल। अरे वाह, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना। देखो ये आयरन फार्म तो वर्क होने वाला है नहीं, मुझे नया ही बनाना पड़ेगा। अभी मैं काम करता हूँ जो मुझे बहुत दिनों से करना था। वेट, मैंने तुमको मेरी माइन नहीं दिखाई ना, 2 सालों से खुद मैं अंदर नहीं गया, बहुत गहरा गया था मैं। देखो यहाँ से मैंने माइनिंग करी थी, बहुत लंबी माइनिंग करी थी, वो 25 डायमंड यही से तो मिले थे। हाँ तो मैं काम करने वाला था, उसके लिए मुझे बहुत सी लड़कियां लकड़ियां लगेगी। काटो लकड़ी काटो और काटो थोड़ी और काटो, काटने के बाद फेंस बनाओ, फिर फेंस यहाँ पे लगाओ और यहाँ पर एक गेट लगाओ। अब इसके अंदर हमें चाहिए शिप्स, मिशन फाइंडिंग शिप्स। क्या आपको कई शिप्स दिखाई दे रही है, क्या स्क्रीन पर आपको कई शिप दिखाई दे रही है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो ऐसा बाहर नहीं घूमने का रे, आओ अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझना। अरे वाह, ऐसे ही लोक संख्या बढ़ाते रहो। ठीक है अभी हम विश्राम करते हैं। हाँ तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, और कहीं मत जाना, मैं लौटूंगा जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।